शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने हमारे यहाँ पर जो है जितने भी जम्मू नगर निगम की तरफ से जम्मू सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो डस्टबिन यहाँ जो कूड़ेदान लगाए गए हैं, ये जो आप देख रहे हो, इस पर जो स्टिकर चिपकाए गए हैं, जो अपना लोगो चिपकाया गया है, उस पर सीधे सीधे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। हमारी धार्मिक भावनाएं सीधे तौर पर आहत हो रही हैं। आप देखोगे स्टिकर के ऊपर यहाँ पर त्रिकुटा की पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं, माँ बाबे वाला मंदिर का किला दिखाया गया है, मंदिर की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, और ये कहाँ पर लगाया गया है, कूड़ेदान के ऊपर, जहाँ पर लोग थूकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसको लेकर हमने कल पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है कि जम्मू नगर निगम के खिलाफ, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने ये कूड़ेदान यहाँ लगाए हैं, इसके ऊपर बाबे वाली माता के मंदिर की तस्वीर लगाई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये एक आपराधिक कृत्य है जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसको लेकर हम जम्मू नगर निगम के कमिश्नर से भी बातचीत कर चुके हैं, मिल चुके हैं कल शाम को, उनको भी हम शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि तत्काल प्रभाव में इन डस्टबिनों से इन फोटोज़ को, इन पिक्चर्स को निकाल दिया जाएगा, मगर आज एक बज चुका है दोपहर तक, हमने अल्टीमेटम दिया था, अभी तक किसी भी डस्टबिन से इस तरह की फ़ोटोज़ को नहीं निकाला गया, जिसके बाद मजबूर होकर हम तमाम शिव सैनिकों ने यह अभियान शुरू किया है कि हम खुद जाकर तमाम कूड़ेदानों में से इस तरह की फ़ोटोज़ को, माता की फ़ोटो को उसमें से निकालेंगे, क्योंकि माँ का अनादर हम सहन नहीं कर सकते। जम्मू की जनता से भी मेरी अपील है कि जहाँ जहाँ आप इस तरह के कूड़ेदान के ऊपर इस तरह की फ़ोटो देखते हो, उसको बड़े ही पूरी आस्था के साथ उसको निकाल कर अलग करें और इस मुहिम के साथ जुड़ें, ताकि सरकार को जो है एक बार आईना दिखाया जाए कि वो लगातार जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, जम्मू की गरिमा को ख़त्म कर रही है, जम्मू जो हमारा मंदिरों के शहर से जाना जाता था, आज उसको जगह जगह जो है, पहले शराब की दुकानें खोलकर मदिरा का शहर बना दिया गया है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति पर लगातार जो है वो प्रहार किए जा रहे हैं। जम्मू की जनता को जागना होगा, जम्मू की जनता को हम जगाएंगे और इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू करेंगे, ताकि सरकार जो है वो सीधे रास्ते पर आए और जम्मू के और हिंदुओं की संस्कृति और धर्म का अपमान ना किया जाए।